मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी आपका राशिफल। इस राशिफल में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल की, साथ ही साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सरल उपाय, राशि अनुसार ही आपका शुभ अंक और शुभ रंग भी, पंचांग बताएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे राशिफल के आखिर में एक ऐसा विशेष उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकियों में दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की पंचांग के साथ में। तो दिन है गुरुवार का, तारीख है 28 सितंबर 2023, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी पर चंद्रमा कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा काला, शुभ दिशा रहेगी पश्चिम, राहु काल रहेगा दोपहर को 1:30 बजे से शाम को 3 बजे तक का, भद्र रहेगी शाम को 6:49 से लेकर अगले दिन सुबह 5:06 तक, रवियोग रहेगा सुबह 6:12 से लेकर के रात में 1:48 तक, दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:04 से लेकर के दोपहर में 12:36 तक। और विशेष क्या है, गणेश विसर्जन है और इस दिन अनंत चतुर्दशी है, भगवान अनंत का विशेष दिन। और ऐसे में आपको बताएंगे विशेष कि भगवान अनंत की कृपा से कैसे रोग विकारों से मुक्ति मिलेगी, उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं राशिफल की पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, अधिकारी सहयोग देंगे, अचानक बड़े धन लाभ के योग हैं, उलझे हुए मसले सुलझेंगे, नए मकान खरीदने के योग हैं, धार्मिक यात्रा की योजना बनाएंगे। उपाय ये करें कि धार्मिक क्षेत्र पर केसर से तिलक करें, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे, कारोबारी लाभ होगा, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, संपत्ति से लाभ के योग हैं, आर्थिक मामले में पिता से मदद मिलेगी, कार्यक्षेत्र में सहकर्मी पूरा सहयोग देंगे। उपाय ये करें कि तुलसी के पौधे पर पीला चंदन चढ़ाएं, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाय की बात करेंगे, काम में अरुचि रहेगी, निर्णय लेने में बाधा आएगी, विवादों से बचें, कारोबारी शत्रुओं से सतर्क रहें, नौकरी में बदलाव आएगा, खर्चों में वृद्धि होगी। उपाय ये करें कि किसी महिला को चना दाल दान करें, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे, भाग्य पूरा साथ देगा, अधूरे काम पूरे होंगे, जोखिम भरे कामों से बचें, शाम दोस्तों के साथ में बिता पाएंगे, सामाजिक काम में भाग लेंगे, सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दें। उपाय ये करेंगे धार्मिक क्षेत्र पर सफ़ेद फूल चढ़ाएं, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे, कारोबारी शत्रुओं पर जीत मिलेगी, अचानक धन लाभ होगा, नौकरी में तरक्की के योग हैं, पिछले कामों से लाभ होगा, संतान से आर्थिक मदद मिलेगी। उपाय ये करें कि सोने के आभूषण पहने, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे, कार्यक्षेत्र में लाभ होगा, कारोबारी लाभ के योग हैं, जीवन साथी की सलाह से लाभ होगा, खास लोगों से संपर्क बढ़ेगा, दफ्तर में कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी। उपाय ये करें कि दैनिक पूजा पाठ में पीतल के बर्तन का प्रयोग करें, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे, सेहत पर ध्यान दें, सरदर्द की शिकायत रहेगी, भाषा पर काबू रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, दफ्तर के काम में भागदौड़ रहेगी, शाम में थोड़ी थकान रहेगी। उपाय ये करें कि घी में हल्दी मिलाकर पीपल के नीचे दीपक करें, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, अधिकारीगण खुश रहेंगे, दफ्तर में नई जिम्मेदारी मिलेगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, दैनिक काम से धन लाभ होगा। उपाय ये करें कि कागज़ पर पीले स्केच पेन से धन लेकर तिजोरी में रखें, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। नवी राशि धनु यानी कि सजिटेरियस की बात करेंगे, नई कारोबारी योजना बनाएंगे, नौकरी में बदलाव के योग हैं, पिछले कामों से धन लाभ होगा, खर्चों में वृद्धि होगी, जोखिम वाले काम से बचें। उपाय ये करें कि दूध में केसर मिलाकर सेवन करें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, यात्रा में लाभ के योग हैं, नौकरी में तरक्की मिलेगी, दफ्तर में मौके मिलेंगे, बड़ा लाभ होगा, दफ्तर में कामकाज की तारीफ होगी, सेहत में सुधार आएगा। उपाय ये करें कि रुमाल पर हल्दी से टीका करके जेब में रखें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे, कामकाजी प्रदर्शन सुधरेगा, कारोबार में लाभ के योग हैं, दफ्तर में अधिकारी मदद करेंगे, पुराने दोस्तों से सहयोग मिलेगा, कोई खुशखबरी भी मिलेगी। उपाय ये करेंगे पूजा घर में केला चढ़ाएं, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। बारहवीं राशि मीन यानी पाइसिस की बात करेंगे, आत्मबल में वृद्धि होगी, गलत फहमियों से बचें, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, व्यर्थ के विवादों से दूर रहें। उपाय ये करें कि घर के ईशान कोण में धार्मिक पुस्तक रखें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो रोग विकारों से आपको मुक्ति दिलवाएगा। देखिए खास दिन है, भगवान अनंत का दिन है, मतलब अनंत मतलब एंडलेस, भगवान विष्णु का स्वरूप है और ये ब्रह्म स्वरूप है, और ख़ास दिन गणपति का भी है, ऐसे में भगवान अनंत के पूजन का विधान है। तो क्या करें, कुशा से अनंत का पिंड बना लें और रोग विकारों से मुक्ति के लिए अनार
जो है वो सिर से वार कर भगवान अनंत पर चढ़ाएं और चढ़ावा जो अनार है किसी गाय को खिला दें। और उस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें, ओम फणेश्वराय नमः। फण मतलब जो सांप का फण होता है, शेषनाग का फण, तो ओम फण के ईश्वर फणेश्वराय नमः आश्वस्त करता हूँ, हर प्रकार के रोग विकार से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।